मेरा नाम है वरुण शर्मा। आज हम बात करेंगे पांच लकी पौधों की जो वास्तु के हिसाब से आपके घर में होनी चाहिए, जो कवाती पॉजिटिव एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और जो आपके जो फॉर्च्यून को और गुड लक को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पहले लकी प्लांट की, जो है लकी बैम्बू प्लांट। लकी बैम्बू प्लांट छोटे जो बैम्बू स्टिक्स की तरह होते हैं, जिनको आप अपने एक पानी के अंदर लगा सकते हैं, स्मॉल पॉट्स में लगा सकते हैं, स्टडी टेबल रख सकते हैं, ड्राइंग रूम रख सकते हैं या अपने जो है ऑफिस में भी रख सकते हैं। ये काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और ये गुड फॉर्च्यून के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। दूसरा जो हमारा पौधा है वो है तुलसी का पौधा, जिसको हम होली पेसिल भी कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पहले जो हमारे बुजुर्ग होते थे उनके आंगन में भी तुलसी का पौधा जरूर होता था। इसके पीछे जो है एक साइंस है। तुलसी का पौधा जो है नेगेटिव एनर्जी को खत्म करता है, पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करता है और पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ इसके जो है मेडिसिन रिलेटेड बेनिफिट भी हैं। मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से हम तुलसी के पौधे को यूज़ कर सकते हैं इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए और कैसे इसके यूज़ के थ्रू हम कुछ बीमारियों को दूर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा तीसरा पौधा जो आता है लकी लिस्ट के अंदर वो है हमारा मनी प्लांट। जैसे कि मनी प्लांट जो है काफ़ी पॉजिटिव पौधा है और आपको बहुत ईजिली अवेलेबल भी हो जाएगा और बहुत ईजी टू ग्रो भी होता है। इसको आप बहुत आसानी से लगा भी सकते हैं। मनी प्लांट जो है, जैसे इसका नाम है मनी प्लांट, कहते हैं कि जिस घर में मनी प्लांट होता है उस घर में पैसे की कभी कमी नहीं होती, हमेशा पैसे का जो है वृद्धि होती है। तो आप इस पौधे को अपने घर में जरूर लगाइए। जो फोर्थ पौधा है जो हमारे लकी लिस्ट के अंदर, वो है हमारा जेड प्लांट। जेड प्लांट के पत्ते छोटे होते हैं लेकिन छोटे होने के साथ में ये काफ़ी शुभ माने जाते हैं और काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करते हैं। जेड प्लांट को आप इंडोर प्लांट की तरह लगा सकते हैं। इसको आप घर के किसी भी कोने में रह सकते हैं जहाँ पर जो इंटरेस्ट सनलाइट आ सकती है। ये बहुत अच्छा ग्रो करता है लेकिन इस पौधे को कभी भी अपने बाथरूम में मत रखिए, बाथरूम में रखने से नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। अगला पौधा है जो है वो है अरेका पाम। अरेका पाम के पौधे को हम सुपारी का पौधा भी कहते हैं। अरेका पाम काफ़ी अच्छा और एक घना पौधा होता है, जिसकी जो लुक होती है बहुत अच्छी लगती है। आप इसको एज अ डेकोरेटिव प्लांट भी यूज़ कर सकते हैं और डेकोरेटिव प्लांट के साथ साथ ये पॉजिटिव एनर्जी भी देता है। और इतना नहीं, ये जिस जगह पे आप रखते हैं ये उस जगह की जो एयर है उसको भी प्योरीफाई करता है। इसके अंदर गुण होते हैं कि हवा के अंदर जो अशुद्धता होती है उसको एब्जॉर्ब करके प्योर एयर जो है जनरेट करता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इन सभी प्लांट्स के बारे में आएगी, जिसमें आपको बताऊंगा कि कैसे इन प्लांट्स को हम ग्रो कर सकते हैं, कैसे इनकी केयर करनी है और इन प्लांट्स के बेनिफिट्स क्या हैं और आप इनको कैसे अपने डे टू डे लाइफ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।